अभी तो आ रही है फ्रेग्रेंस, बट ये ना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती नहीं है, तो इसके लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो होना चाहिए। तो मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन, एंड दैट इज री डिफ्यूजर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एशियन ऑरा, दिस इज नीलम, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि रूम फ्रेशनर का जो ऑल्टरनेट है और लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस के लिए री डिफ्यूजर इज द बेस्ट ऑल्टरनेट, तो मैं आज आपको वीडियो में यही दिखाने वाली हूँ हाउ टू यूज री डिफ्यूजर्स। इससे पहले मैं दो वीडियोस कैंडल डिफ्यूजर्स एंड इलेक्ट्रिक डिफ्यूजर्स पे बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप देख सकते हैं किस तरह से इलेक्ट्रिक डिफ्यूजर को यूज करते हैं और कैंडल डिफ्यूजर्स को यूज करते हैं, कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड बेनिफिट्स आल्सो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे हम बात करते हैं होम फ्रेग्रेंस प्रोडक्ट्स की, होम डेकोर की, कैंडल्स की, डिफ्यूजर्स की, अरोमा ऑयल्स की, एसेंशियल ऑयल्स की, DIYs की एंड मेनी मोर। सो फॉर रेगुलर अपडेट्स प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। Now let's start the video. री डिफ्यूजर के लिए आपको चाहिए एक पॉट, अरोमा ऑयल एंड रीड स्टिक्स, इन्हें हम रैटन स्टिक्स भी कहते हैं। तो ये आपको लूज भी ऐसे मिल जाता है विदाउट एनी पैकेजिंग। इफ यू वॉन्ट टू गिफ्ट इट देन यू कैन हैव द गिफ्ट पैक्स ऑल्सो। आप देख सकते हैं यहाँ पे वराइटी के गिफ्ट पैक्स हैं, कलर्स हैं, इसमें फ्रेग्रेंसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस आर अवेलेबल, तो आप अपनी पसंद से कोई भी चूज करके इसको परचेज कर सकते हैं। आई एम टेकिंग दिस पॉट, इसको मैं फिल करूंगी ऑयल से, अरोमा ऑयल आपने इसमें फिल करना है, एशियन ऑरा अरोमा ऑयल आप फिल कर सकते हैं, फिर आपको इसमें डालने हैं रीड स्टिक्स। ये रीड स्टिक्स हैं, इनको रैटन स्टिक्स भी कहते हैं। ये जो मैंने अरोमा ऑयल लिया है ये रोज फ्रेग्रेंस है, बिकॉज आई वॉन्ट माई सराउंडिंग्स टू स्मेल लाइक रोज, सो आई एम पुटिंग दीज रीड स्टिक्स। आइडियली 7 या 8 स्टिक्स काफी होती हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ रीड स्टिक्स को इसमें बॉटल में आपने डाल देना है। और एक चीज कॉमनली लोग मिस्टेक करते हैं, इसमें बॉटल में ऑयल के साथ में थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर लेते हैं, लेकिन पानी मिक्स करने की जरूरत नहीं है आपको। यू ओनली हैव टू यूज अरोमा ऑयल और एसेंशियल ऑयल। इसके बाद कुछ टाइम के बाद आप इन स्टिक्स को फ्लिप कर देंगे। फ्लिप क्यों करेंगे? बिकॉज ये जो रीड्स होती हैं इनमें कैपिलरी एक्शन होता है, कैपिलरी एक्शन दैट टेक्स द ऑयल फ्रॉम द बॉटम। ये स्टिक्स जो है वो ऑयल्स को लेके देन इट डिस्पर्सेस द फ्रेग्रेंस इन द एयर। तो देखा आपने कितना इजी है इसको यूज करना, इसमें आपको कोई हैसल्स नहीं है, दिस इज वेरी इजी टू यूज एंड वेरी यूजफुल ऑल्सो। यू डोंट हैव टू लिट एनीथिंग, यू डोंट हैव टू बर्न एनीथिंग, एंड दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर रूम स्प्रे। आप इसको लगाइए, रीड्स डालिए और एक कॉर्नर पे आप रख दीजिए, दिस लुक्स ब्यूटीफुल ऑल्सो। ये जो है मैंने आपको लूज दिखाया है, अगर आपको पैक में चाहिए तो इस तरह से आप पैक भी देख सकते हैं। अगर आपको इन पैक्स की अनबॉक्सिंग देखनी है तो प्लीज डू चेक आउट आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, अगर लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एशियन ऑरा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।